केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, महिला सशक्तिकरण और उनके सम्मान में कई योजनाएं चला रही है, जिसको लेकर जदयू के कार्यकर्ताओं ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सम्मान पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं की लाभ हर महिलाओं को मिलनी चाहिए। नारी सशक्तिकरण के लिए सम्मान किया जाएगा नारियों को, लेकिन एक तरफ आप नारियों का सम्मान कर रहे हैं और दूसरी तरफ सर नारियों के साथ बलात्कार और बहुत तरीका सर। देखिए मैं बता दूं, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए, तब से समाज के सबसे निचले तबके और नारी पर उन्होंने ध्यान दिया। और आपको जानकर जानकारी होगा कि पंचायती राज में भारत में पहली बार महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया। दूसरी तरफ 30% सरकारी नौकरियों में भी 35% सरकारी नौकरियों में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आरक्षण दिए। और इस देश में वो भी बिहार पहला राज्य है कि जहां पर महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि नारी को इतना हम सबल बनाएं कि आने वाले समय में वो पुरुषों के साथ पग में पग मिलाकर वो समाज का विकास कर सके, समाज का कर्णधार बन सके। जदयू मीडिया से की ओर से एक शानदार शुरुआत है ये। पिछले 6 महीने में जदयू मीडिया सेल ने एक नई हलचल पैदा की है राजनीतिक गलियारे में। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि हम लोग किसी भी पार्टी के मीडिया सेल से कोसों आगे हैं। पिछले 6 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के फॉलोअर्स 18 लाख बढ़े और उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी की अनगिनत उपलब्धियां हैं, उसमें से सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा जो उन्होंने आधी आबादी के लिए किया है, उसी की एक मिसाल यहां पे है जो हम लोग नारी सशक्तिकरण और सम्मान से पार मिला। बहुत से गांवों में अभी भी जैसे नारियों को बोला जाता है कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको वहां नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं करना है, घर का काम करो, उनके परिवार वालों की आप क्या बोलना चाहते? समाज एक दिन में बदलने की चीज नहीं है। जो समाज हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मिला वो सदियों पुराना था। 2005 में जो उन्हें जो बिहार मिला, तब के बिहार में और अब के बिहार में जमीन और आसमान से अधिक का फर्क है। और जो आप कह रहे हैं ना कहीं कुछ अपराध की घटनाएं, आप माननीय विधायक जी से भी पूछ रहे थे, मैं आपको तमाम आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे पिछले एक वर्ष में भी, आज महागठबंधन वाले कहते हैं कि इस दरमियान बढ़े हैं अपराध, मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकता हूं। जो आपने महिलाओं के साथ छेड़खानी की और घटनाओं की बात की, महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाओं में 9.78% की कमी आई है पिछले एक वर्ष में। आपके जान लें, डकैती में 32% की, हत्या के मामलों में 15.5% की, चोरी के मामलों में लगभग 21% की और अपहरण के मामलों में 4% की कमी आई है पिछले एक वर्षों में। और जब आप 2005 और 2018 का फर्क देखेंगे तो
फिर तो कहना ही नहीं है। 118 नरसंहार हुए उस समय और अभी 118 पावर सब्रेड है, ये फर्क है। डॉक्टर अमरदीप, अध्यक्ष जदयू मीडिया।